नमस्कार, प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को पढ़ रहे थे। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में हम पराग पर्व को पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम पर परागण को पढ़े हुए थे और आज हम पर परागण की विधि को पढ़ेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि पर परागण होता क्या है। तो जब कोई पुष्प जब किसी पुष्प का पराग कर पराग पर किसी दूसरे पौधे के पुष्प पे किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर अतिकाग्र पर पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को हम पर परागण कहते हैं। पर परागण होने के लिए कई संभावनाएं हैं। यहाँ पर जैसे पर परागण किन किन चीजों के द्वारा हो सकता है, तो पर परागण दो तरह का होता है। जैसे एक जैविक कारक होते हैं, दूसरे अजैविक कारक होते हैं। तो जैविक कारक में हम बात करेंगे, जब जंतुओं के द्वारा अगर परागण हो रहा है तो उसे हम जैविक कारक कहेंगे। अजैविक कारक में जैसे वायु परागण, जल परागण, ये कहते हैं अजैविक कारक। ठीक है, इसी एक कृत्रिम परागण है, कृत्रिम परागण है। आगे बढ़ेंगे तो जंतु परागण कई प्रकार से होता है, कई क्योंकि अलग अलग जंतु परागण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो जो जंतु परागण की प्रक्रिया में भाग लेंगे उसके आधार पर उनका अध्ययन करेंगे। जैसे कीट परागण, पक्षी परागण, घोंघा परागण, चींटी परागण, चरित्र खिली या फिर यहाँ पे चमगादड़ होगा, चमगादड़ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, चीट के द्वारा होता है तो उसे एंथेमोफिली कहा जाता है, पक्षी के द्वारा होता है तो उसे आर्निथोफिली कहा जाता है, घोंघा के द्वारा होता है तो उसे मैराकोफिली कहा जाता है, चींटी के द्वारा होता है तो उसे मेंडकोफिली, और चमगादड़ के द्वारा अगर होता है तो उसे चेरिप्टोफिली कहा जाता है। ठीक है, आज हम वायु परागण को देखेंगे। वायु परागण, जब परागण की प्रक्रिया वायु के द्वारा होती है, अर्थात जब किसी पुष्प का पराग कर पराग कोष से निकलने वाले पराग कर है किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को, और यह प्रक्रिया किसके द्वारा हो रही है, यह प्रक्रिया हवा के द्वारा अगर हो रही है तो इसे हम वायु परागण या एंथेमोफिली कहेंगे। वायु परागण होने के लिए संभावनाएं क्या होती है? पहला है कि पुष्प के जो पराग पर बन रहे हैं वो काफी हल्के होने चाहिए, काफी हल्के होंगे। जब हल्के रहेंगे तभी वो हवा में उड़ेंगे, अगर भारी रहेंगे तो उड़ी नहीं पाएंगे, सीधी की बात है। तो पुष्प कैसे, पुष्प के पराग पर कैसे होने चाहिए? काफी होते, काफी लाइट वेट होना चाहिए उनको, और वो चिकने होने चाहिए तथा वो शुष्क होने चाहिए। शुष्क हल्के, चिकने और शुष्क होना चाहिए, और उनकी साइज जो है काफी छोटी हो, साइज छोटी होगी तभी वो ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो पाएंगे और संख्या अधिक होनी चाहिए। छोटी होगी तभी वो उड़ पाएंगे, और हल्के होंगे तभी वो उड़ पाएंगे। ऐसा हो काफी बड़ा हो, बड़ा होगा तो भारी अपने आप हो जाएगा, छोटा हो हल्का हो, और कैसा होना चाहिए? शुष्क होना चाहिए, और परागकण की मात्रा ज्यादा हो, क्योंकि परागकण की मात्रा अगर कम होगी तो मान लीजिए कि परागकण की मात्रा कम हो और यहाँ पर वो परागण पराग पर पहुंच ही ना पाए तो परागण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। इसके लिए होना क्या चाहिए? अगर वायु के द्वारा परागण हो रहा है तो परागकण की संख्या ज्यादा होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक नहीं होता है कि पुष्प रंगीन हो या फिर पुष्प में कोई सुगंध हो, आवश्यकता उसकी नहीं होती है क्योंकि हवा के द्वारा परागण की प्रक्रिया हो रही है। हाँ, वर्तिकाग और वर्तिकाग्र जो है वो कैसे होने चाहिए? गोलन होने चाहिए, या तो यहाँ पे जब रोमिंग होंगे तभी परागकण जो होंगे आएंगे तो हवा के द्वारा वर्तिकाग्र पर चिपक जाएंगे, जिससे परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो ये होता किसमें है?
अंतरास में होता है गेहूं मक्का इन सब पौधों में परागण की प्रक्रिया होती है। एक चित्र के द्वारा आप समझ पाएंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई स्टैमिन है, स्टैमिन एक स्टैमिन ये है स्टैमिन ये स्टैमिन ठीक है। इसमें वर्सेटाइल टाइप का ये वर्सेटाइल टाइप का इसमें एंथर पाया जा रहा है। तो जो एंथर यहाँ पर वर्सेटाइल टाइप का पाया जा रहा है तो ये हैंग करता रहता है, हवा में हैंग करता रहता है। तो निषेचन की प्रक्रिया जब होगी तो हवा को जब हैंग करता है तो यहाँ पर पराग पर मुक्त होंगे और पराग पर जो होंगे वो तो किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे ठीक है। हाँ, इसमें स्टिग्मा दी गई है लेकिन इस पौधे के स्टिग्मा पर ये नहीं आएंगे, किसी दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे ठीक है। स्टिग्मा देखिए यहाँ पे काफी फेवरेट है। आगे हम चलते हैं, अगला दिया गया है जल परागण। जल परागण को हम हाइड्रोफिली कहते हैं, जल परागण को हाइड्रोफिली कहते हैं। जब परागण की प्रक्रिया जल के द्वारा होती है तो उसे जल परागण कहा जाता है। जल परागण दो टाइप का होता है, परागण कैसा हो, जल के द्वारा हो, जल के द्वारा उसे हम हाइड्रोफिली कहेंगे। अब जल के द्वारा जो प्रक्रिया जल परागण की प्रक्रिया हो रही है वो दो टाइप की होती है, इसमें से एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली, दूसरा है हाइपोहाइड्रोफिली कहने को और दूसरा होगा अधोजल से इपीहाइड्रोफिली। तो यहाँ पे जब जल परागण के भीतर होता है तथा उसे तब उसे अधोजल अभी हो गया है थोड़ा सा अधोजल परागण कहते हैं। इसमें पराग लंबे फीते के समान होते हैं। इस चित्र में आप क्लियर देख पा रहे होंगे, थोड़ा समझ कर देते हैं तो आपको चित्र स्पष्ट से। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि ये पानी का सरफेस है, कलर चेंज कर दे, ये पानी का सरफेस है ठीक है, पानी के सरफेस है। अब पौधे पानी के सरफेस से काफी नीचे पाए जा रहे हैं और यहाँ पर ये जो है देखिए पराग कर, ये पराग कर पानी के नीचे, पानी के नीचे भी तैर रहे हैं और यहाँ पे पुष्प की वर्तिका है, वर्तिका है। निषेचन की प्रक्रिया जब जल के निचले सतह पर मतलब भीतर हो रही है, यहाँ पे ना होते नीचे हो रही है, सतह से नीचे हो रही है, तो इस पर ऊपरी सतह से नीचे हो रही है, इस प्रक्रिया को हम अधोजल परागण कहेंगे। ये किन किन पौधों में पाया जाता है, जैसे हाइड्रिला, सिग्रोफिला, जोस्टेरा, सिग्रासेस, समुद्रिका जिसे कहते हैं ठीक है। अधोजल परागण याद रखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रो हाइड्रिला और जोस्टेरा ठीक है। जोस्टेरा काफी ज्यादा पूछा जाता है कि इसमें जोस्टेरा में किस प्रकार का परागण पाया जाता है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि अधोजल परागण पाया ठीक है। आगे चलते हैं अधिजल परागण। अधिजल परागण जिसे हम इपीहाइड्रोफिली कहते हैं, इसमें जो परागण की प्रक्रिया होती है बिल्कुल जल के सतह पर होती है। जब परागण की प्रक्रिया जल के सतह पर होती है तो इसे हम अधिजल परागण इपीहाइड्रोफिली कहते हैं। एग्जाम्पल में है बलिशनेरिया, बलिशनेरिया का जो पौधा होता है ये चित्र में आप देख पा रहे हैं। बलिशनेरिया का जो पौधा होता है देखिए यहाँ पे ये स्टेमिन फ्लावर है और ये क्या है यहाँ पे बेल फ्लावर, बेल फ्लावर ये है और ये सिलॉइड है ठीक है। अब निषेचन की प्रक्रिया जल के द्वारा ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर पराग पर तैर रहे होते हैं, निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं अधिजल परागण कहते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जल में पाए जाते हैं लेकिन उसमें परागण की प्रक्रिया तीजो या वायु के द्वारा होती है, जैसे जलकुंभी हो गया और कुमुदी बाटल ये, इसमें क्या होता है जलकुंभी में कीटों के द्वारा और वाटर लिली में
वाई के द्वारा परावर्तित करते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं, आगे जंतु परागण की बात करेंगे। तो जंतु परागण जो है जंतु परागण की परिभाषा क्या क्या है, तो नॉर्मली कुछ पौधे ऐसे होते हैं इसमें विभिन्न प्रकार के परागण की प्रक्रिया जंतु हो, जब परागण की प्रक्रिया अलग अलग जंतुओं के द्वारा मतलब जंतुओं की किसी न किसी जंतु के द्वारा हो रही होती है उसे हम जंतु परागण कहते हैं। जंतु कौन कौन से जंतु परागण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे कीट परागण, पक्षी परागण, यहाँ पे मेलों के फूल कहेंगे, चीटी के द्वारा मिर्मी को फूल और चमगादड़, चमगादड़ के द्वारा तो आगे हम देखते हैं कि अगला है कीट परागण। कीट परागण की अगर बात करेंगे तो जो जब परागण की प्रक्रिया जब परागण की प्रक्रिया कीटों के द्वारा होती है तो कीटों के द्वारा होती है तो इसे हम कीट परागण कहेंगे। कीट में बहुत सारे कीट जैसे मधुमक्खी है ना, मधुमक्खी हो गई, बर हो गई, मोथ हो गया, तितली, भावरा, तो ये सभी जो कीट है इनके द्वारा जो परागण की प्रक्रिया होती है तो इसे हम कीट परागण कहते हैं। कीट परागण के लिए कंडीशन जो होती है होनी ये चाहिए कि जो पुष्प है पुष्प काफी रंगीन और चमकदार होता है, जो पुष्प काफी रंगीन और चमक, क्योंकि कीटों को आकर्षित करने के लिए ये उनकी क्वालिटी है कि जब वो चमकदार होंगे तभी वहां पे कीट आकर्षित होगा। जैसे नॉर्मली आपने समाज में देखा होगा कि जो लोग काफी सजे धजे होते हैं, काफी चमकते रहते हैं, तो अपने आपको अपनी और लोगों को आकर्षित करने के लिए अपने आप को काफी सजा कर रखते हैं, उसी तरह से पुष्प भी होते हैं अपने आप को काफी सजा कर रखते हैं, काफी रंगीन होते हैं। और आपने देखा होगा कि आज जिसके ऊपर अच्छा सा परफ्यूम होता है आप उसको अगर होते जरूर देखते हैं, वैसे ही अब ये गंधयुक्त होते हैं, जब उनके अंदर स्मेल होगी खुशबू होगी तभी कीट उनकी ओर आकर्षित होते हैं और ये मकरंद का भी स्राव करते हैं। जो पुष्प होते हैं जिनमें कीट परागण की प्रक्रिया होती है उसमें ये खास बात होती है, काफी चमकदार और रंगीन होते हैं, मकरंद का सिक्रेशन करते हैं और साथ ही साथ उसमें एक स्मेल होती है जिसके कारण कीट उनकी ओर आकर्षित होते हैं। इनमें जो परागण होते हैं परागकण होते हैं वो काफी खुदरे और चिपचिपे टाइप के होते हैं। अब चिपचिपे इसलिए होते हैं कि जब कीट उस पुष्प पे बैठेगा, जैसे यहाँ पे इस चित्र के द्वारा देख रहे हैं, जब कीट इस पुष्प पे बैठेगा तो इस पे जो यहाँ पे परागकण यहाँ से जो उत्सर्जित हो रहे होंगे इस कीट के शरीर पर चिपक जाएंगे। अब कीट जब यहाँ से जाएगा किसी दूसरे पुष्प पे तो वहां के स्टिग्मा पे रगड़ के द्वारा इस कीट से पराग कण यहाँ पे झड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कीट परागण के लिए क्या क्या क्वालिटी है। पहली बात तो चमकदार और रंगीन होना चाहिए पुष्प और मकरंद युक्त होना चाहिए, गंध युक्त मतलब खुशबू उसमें होनी चाहिए जिसके कारण कीट उसकी ओर आकर्षित होंगे। साथ ही साथ पराग पर कैसा होना चाहिए, खुरदुरा और चिपचिपा होना चाहिए जिसके द्वारा कीटों पर वो चिपक सके। ठीक, इसी पेज पे 80% जो पौधे हैं 80% परागण की जो प्रक्रिया होती है तो कीटों के द्वारा, कौन सी कीट, मधुमक्खी के द्वारा होती है। कीटों के द्वारा जो परागण की प्रक्रिया होती है तो उसमें से 80% परागण मधुमक्खी के द्वारा होता है। अगले पेज पे चलते हैं। नॉर्मली यहाँ पे ज्यादातर परागण की प्रक्रिया होती है वो कीटों के द्वारा होती है। परागण करने वाले कीड़ों मकोड़ों में मधुमक्खी, तितली, पर बीटल
है ना, हीट, मक्खी, बर्ड, जिसको नॉर्मली पतैया कहते हैं आदि, ये प्रमुख कीट है जिनके द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है। और यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि कुछ रोग युक्त अंग होते हैं, इन कीटों के जो शरीर होते हैं उसपे कुछ जैसी संरचना पाई जाती है जिसपे पराग कर छिपल जाते हैं, और फिर उसके बाद जब ये वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर यहाँ पे वर्तिकाग्र पहुंचते हैं तो वहां पे ये छड़ जाते हैं। ठीक है, अब मधुमक्खी के द्वारा किन किन पौधों में परागण की प्रक्रिया होती है, तो बनपासा, लार्कस पर, आर्किड, बोगनवेलिया, इसमें परागण की प्रक्रिया मधुमक्खी के द्वारा होती है। सलभ जिसे मूत कहते हैं, मूत के द्वारा किसमें किसमें होती है, तंबाकू, धतूरा, यक्का, इसमें मूत के द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है। तितली के द्वारा, लिली, अटायन, खच में तितली के द्वारा होती है, और ट्रैक, ट्रैक के द्वारा, ट्रैक मक्खी के द्वारा किसमें होती है, रेफ्लेसिया, एरम, स्पोरियोपस में ट्रैक के द्वारा होती है। इसको थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा। अगला है बर्ग, बर्ग में किसके द्वारा होती है, किसमें किसमें बर्ग के द्वारा होती है, अंजीर में बर्ग के द्वारा होती है। ठीक है, अब इस चित्र के द्वारा आप देख पा रहे हैं कि जैसे ये एक पुष्प है, इस पुष्प में ये उसका एंथर है। ठीक है, और यहाँ पे उसकी ये वाली उसकी बर्ग, ये उसका फीमेल पार्ट, फीमेल जगमान है, और ये उसकी वर्तिकाग्र है जिसे स्टिग्मा कहेंगे। अब जब पुष्प ये वर्तिकाग्र होता है, नीचे की वो देखिए यहाँ पे हुई है, पुष्प जब इस पे आता है, बैठता है, ठीक है, पुष्प जब बैठा हुआ है तो पराग कण इस पे छड़ गए हैं, पुष्प पे पराग कण छड़ गए हैं, और फिर उसके बाद अब यही कीट जब पौधे दूसरे पौधे पे जा रहा है तो वर्तिकाग्र से रगड़ खाता है, और क्या होता है कि जो यहाँ पे पराग पड़ रहे हैं वो वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, जिस साल्विया का, साल्विया में कीट परागण को यहाँ पे दर्शाया गया है, साल्विया जो प्लांट है उसमें कीट परागण दर्शाया गया। आगे हम चलते हैं, आगे देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में पक्षी परागण है। तो जब परागण की प्रक्रिया पक्षियों के द्वारा होती है तो उसे पक्षी परागण कहते हैं। इनके पुष्प चमकदार, आकर्षक व मकरंद युक्त होते हैं, इनमें पाए जाने वाले पुष्प नलिकाचार व प्याले नुमा होता है। अभी इस चित्र के द्वारा आप देख पा रहे हैं कि पुष्प काफी पतला है, ये वाला संरचना नली के आकार की संरचना आपको देखने को मिल रही है। एक बर्ड होती है जिसे हमिंग बर्ड कहते हैं, वो काफी छोटी चिड़िया होती है, अब उसकी चोंच काफी लंबी होती है, बहुत ही छोटी चिड़िया होती है। सबसे छोटी चिड़िया की अगर बात किया जाए तो हमिंग बर्ड ही है। अब इस चिड़िया की जो चोंच है काफी लंबी और पतली होती है, जो इस पुष्प के अंदर मकरंद को चूसने के लिए जाती है। अब मकरंद जब लेने के लिए ये चिड़िया अपनी चोंच इसमें डालती है तो इसमें पराग कण भी चिपक जाते हैं। जब यह चिड़िया दूसरे पुष्प में जाती है मकरंद को लेने के लिए, पराग कण उस वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं और निषेचन संपन्न हो जाता है। तो निकोटियाना और क्लिस्टेमोना नामक प्लांट जो होते हैं, इसमें निषेचन की प्रक्रिया पक्षी के द्वारा हो रही है। आगे है, जब परागण की प्रक्रिया घोंघा के द्वारा होती है तो उसे हम मेलाकोफिलिया घोंघा परागण कहेंगे, नॉर्मली मेलाकोफिली भी कहा जाता है। अब यह घोंघे के द्वारा परागण की प्रक्रिया किसमें होती है, सब कुछ जिसे स्नेक प्लांट कहते हैं, और आखिर में घोंघे के द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है। गुलमोहर और सेमल में गिलहरी के द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है। जब परागण की प्रक्रिया गिलहरी के द्वारा हो रही है तो कौन कौन सा पौधा है, गुलमोहर और सेमल में परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा हो रही है, गिलहरी के द्वारा हो रही है। चमगादड़ के द्वारा जब परागण की प्रक्रिया होती है तो उसे हम चेरेप्टोपेल्ली कहते हैं। पुष्प पौधे जो जिनके पुष्प रात में खिलते हैं और मकरंद स्रावित करते हैं,
अब मकरंद साबित करेंगे मकरंद को लेने के लिए ये चमगादड़ उस पुष्प के पास जाता है, क्योंकि चमगादड़ जो होता है वो रात में उड़ता है, क्योंकि वो उसको केवल रात को दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता। चमगादड़ भी केवल चमगादड़ में चमगादड़ में दिखाई देने देखने की प्रक्रिया नहीं होती, वो जो प्रतिध्वनि होती है उसी के आधार पे वो समझ पाता है क्या है। और दिन में काफी ज्यादा चोर होता रहता है जिसके द्वारा वो चल नहीं, वो नहीं कर पाता है, उड़ नहीं पाता है। रात में शांत माहौल होता है और प्रतिध्वनि के द्वारा वो आगे पहुंच जाता है अपने गंतव्य तक। ठीक है, तो अब जब परागण की प्रक्रिया पैट के द्वारा हो रही है तो उसे हम चैत्र को लेकर आएंगे, और ये मकरंद को लेने के लिए जब जाता है तो क्योंकि रात में चलते हैं इसलिए इसको हम निशाचर प्राणी नॉक्टर्नल एनिमल कहेंगे। अब पौधों में परागण के लिए ये सहायक इसलिए होते हैं, मकरंद को लेने के लिए जाएंगे और फिर दूसरे पौधे पे जब जाते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। कौन कौन से पौधे हैं जिसमें निषेचन करते हैं, तो कदम, कछार, गोरख इमली, गोरख इमली, इन सभी में परागण की प्रक्रिया जो होती है वो चमगादड़ के द्वारा। ठीक है, कदम, कछार, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे। गोरख इमली जी चमगादड़ के द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगला है पर परागण के लाभ। एक पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो पर परागण का लाभ क्या होता है? पर परागण का लाभ ये है कि परागण अगर स्व परागण होता तो सेम जाति के जो प्लांट है अब वही आगे ग्रो करते जाएंगे, जिसमें क्या होता है कि वेरिएबिलिटी देखने को हमको कम मिलती है, विभिन्नताएं हम कम देख पाते हैं। तो पर परागण में विभिन्नताएं ज्यादा होंगी और जिससे नई जातियों का भी विकास हो सकता है। अब विभिन्नताएं कैसे होती हैं पर परागण में, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक पुष्प है या फिर कोई एक प्लांट है जिसमें एक जोड़ी एक क्रोमोसोम पाया जा रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब ये इसको हम मान लेते हैं ये मेल प्लांट है, क्रोमोसोम ये फीमेल प्लांट है। जब इसमें मियोसिस की प्रक्रिया होती है, मियोसिस की प्रक्रिया के टाइम पे इसमें होता है, अब ये मियोसिस की प्रक्रिया होगी तो इसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड, ये इसकी सिस्टर क्रोमैटिड है, ये इसकी है। ठीक, ये इसकी सिस्टर क्रोमैटिड और ये इसकी सिस्टर क्रोमैटिड के बीच यहाँ पे एक्सचेंज दूसरा, जैसे ये दूसरा क्रोमोसोम, तो सिस्टर क्रोमैटिड के बीच यहाँ पे एक्सचेंज की प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो होते हैं ये इसके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, ये इसका नॉन सिस्टर है, ये इसका, ठीक है, ये इसका और ये इसका। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच यहाँ पर क्रोमोसोम का आदान प्रदान हो जाता है। जब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच क्रोमोसोम का आदान प्रदान होता है तो उसी वक्त क्रोमोसोम का आदान प्रदान भी हम देख रहे हैं। जैसे ये एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, कलर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपको बात क्लियर हो पाएगी। इसको हम रेड कलर से कर दे रहे हैं, एक रेड कलर से और दूसरा येलो कलर से, तो आप बात को अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम का ट्रांसफर होगा, एक ट्रांसफर की प्रक्रिया को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच यहाँ पे होता है रिप्लिकेशन की, रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ये क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया में इस जीन ने अपने कुछ जीन को इसको दे दिया और
इस क्रोमेटिड ने अपने कुछ जीन को किसको दे दिया। जैसे दो दोस्त होते हैं साथ साथ रह रहे होते हैं, जब बिछड़ने लगते हैं तो कहते हैं कुछ अपनी निशानी हमको दे दो, हमारी निशानी कुछ तुम ले लो। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। तो अगली कंडीशन क्या बनेगी, जैसे मान लेते हैं कि अगर क्रोमोजोम कुछ ऐसा बन रहा है, दूसरा रेड कलर से बना रहा है, अगर मान लेते हैं क्रोमोजोम कुछ इस तरह से बन रहा है, तो यहाँ पर इसका कुछ भाग इस पे चला जाता है और इसका कुछ भाग इस पर चला आता है। ठीक है, अब जब इस तरह का संरचना बन जाती है तो अब नई वैरायटी इसमें उत्पन्न हो गई है। अब ये आगे चल के नए जीव और नए जाति का विकास कर सकते हैं। तो परागकण का लाभ यही होता है कि नई जातियों का विकास होता है। और दरअसल अगर किसी पौधे में कोई बीमारी है, वो बीमारी उसी पौधे में समाप्त होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि नए पौधे जो होते हैं, अब नई जाति का विकास जब होगा तो उसमें ये बीमारी होने की संभावनाएं कम होगी, इसका भी लाभ हो जाता है। ठीक है, अगला पीठ आज के लिए इतना ही। बाकी चीजें अगली वीडियो में है कि कुछ स्पेशल जो परागण की प्रक्रिया होती है होती है, तो नॉर्मली वैसे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ खास जो है उसको हम बाद में देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाएगा इस वजह से आज के लिए इतना ही। वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें।